हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू जहांगीर नव भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी, कक्षा 6 का पाठ है 5, कोई नहीं पराया। अब हम पाठ 5 कोई नहीं पराया के कवि हैं गोपाल दास नीरज जी। तो सबसे पहले हम इनका कवि परिचय जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कवि परिचय। कवि गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी सन 1925 ईस्वी को इटावा के पास उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि नीरज की प्रमुख कृतियां हैं संघर्ष, विभावरी, दर्द दिया है, बादल बरस गयो, आसावरी, नदी किनारे, कारवां गुजर गया, लहर पुकारे, तुम्हारे लिए आदि। ये सब इनकी कृतियां हैं। कवि नीरज ने कई हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे, जिनमें शर्मिली, मेरा नाम जोकर, प्रेम पुजारी आदि प्रमुख है। कवि नीरज को लगातार सन 1970, 1971 और 1972 में लगातार तीनों साल फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। गोपाल दास नीरज सन 1991 ईस्वी में पद्मश्री, सन 1994 ईस्वी में यश भारती सम्मान और वर्ष 2007 में भारत का तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त हुआ। ये था इनका कवि परिचय। अब हम इनकी कविता कोई नहीं पराया स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में, मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ों में, मेरा धर्म न कुछ शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेंक दूँ, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगंधा हिंदी पाठ्य पुस्तक में निहित कविता कोई नहीं पराया से लिया गया है। इसके कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। इसमें कवि ने बताया है कि उसके लिए कोई पराया नहीं है। और इसका हम सरलार देखते हैं। इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि मेरे लिए कोई पराया नहीं है, सारा संसार मेरे घर जैसा है, मैं देश काल के बंधन में बंधा हुआ नहीं हूँ, अन्य लोगों की तरह मैं जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानता, मेरा धर्म सिर्फ पुस्तकों में लिखे शब्दों तक सीमित नहीं है, मेरा मानना है कि यदि आपस में प्यार की भावना हो तो प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास रहता है, मैं मंदिर या मस्जिद पर माथा टेकना नहीं चाहता हूँ, मेरे लिए तो हर द्वार ही देवालय है और हर आदमी पूजा करने योग्य है। इस पंक्तियों में कवि ने यह सब कहा है। अब हम आगे दूसरी पंक्ति देखते हैं। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है, अरे नहीं देवत्व मुझको तो भाता हर मनुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी, मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती 100-100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। इस कविता में प्रस्तुत पद्यांश में यह हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगंधा हिंदी पाठ्य पुस्तक में निहित कविता कोई नहीं पराया से लिया गया है। और इस कविता के कवि हैं श्री गोपाल दास नीरज जी। इसमें कवि गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि मानवता के विषय में वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इस आगे देखते हैं। इस पद्यांश में कवि कहना चाहता है कि चाहे कोई कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, मुझे सारे इंसान प्यारे हैं, मुझे अपनी मानवता पर बहुत अभिमान है, मुझे मानवों की मानवता देवत्व से ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी कि देवताओं से ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर
प्यार के बदले मुझे अमरता भी दी जाए तो मैं इसे अस्वीकार कर दूंगा, मुझे ये स्वीकार नहीं होगा। मुझे स्वर्ग और वहाँ मिलने वाले सुखों की कहानियाँ मत सुनाओ। मेरी धरती 100-100 स्वर्गों से ज़्यादा कोमल है, मेरे लिए तो कोई पराया नहीं है, सारा संसार मेरे अपने घर के समान है। अब आगे नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो, संसार को जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, सुख न तुम्हारा केवल जंग का भी इसमें कुछ भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। इसमें कवि कहता है, इसमें कवि कहना चाहता है कि इसमें वर्ग इस वर्ग के सभी लोगों को जियो और जीने दो की भावना की बात कही है। कवि कहता है कि मेरा मानना है हम जियो और जीने दो की धारणा अपना लें। लोगों के बीच में जितना ज़्यादा अपने आप में प्यार को बांट सके हमें बांटना चाहिए। छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपके साथ साथ ऐसे चलें कि कोई कांटे भी उसके पैरों तले आकर कुचल न जाए। आपका सुख सिर्फ आपका नहीं है, सारे संसार का इसमें हिस्सा है। कोई भी फूल पहले उपवन की शोभा बढ़ाता है, फिर बाद में उस डाली की जिस पर वह फूल खिलता है। मेरे लिए कोई पराया नहीं है, सारा संसार अपने मेरे घर के समान है। आगे हम देखते हैं, मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित जग हित जीने के लिए। मुझे दी गई आग की इस ताम में मैं आग लगा सकूं, गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। मेरे दर्दीले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी, मेरा दर्द नहीं मेरा है सबका हाहाकार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। प्रस्तुत पद्यांश ये हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक सुगंधा हिंदी पाठ्यपुस्तक में निहित कविता कोई नहीं पराया से लिया गया है और इसके कवि श्री गोपालदास नीरज जी हैं। इसमें कवि ने संसार में फैली हुई असमानता की भावनाओं को दूर करने की बात कही है। अब इसका सरलार देखते हैं। इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि मुझे संसार में फैली हुई असमानता को दूर करना है, मैं अपने लिए नहीं जन्मा हूँ बल्कि संसार की भलाई में जीने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मुझे आग इसलिए दी गई है कि अंधकार में आग लगा सकूं, यानी कि मैं अंधकार को दूर कर सकूं। गीत इसलिए दिए गए हैं कि जग की सारी पीड़ा मैं गा सकूं। मेरे दर्द को प्रकट करने वाले गीत सिर्फ मेरे गीत नहीं है बल्कि सबका हाहाकार है। मेरे लिए कोई पराया नहीं है, सारा संसार अपने घर के समान है। अब ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। इस कविता का सारांश क्या है? इस कविता का सारांश है कि कवि ये कहता है कि विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाली ये कविता सारे संसार को एक परिवार की तरह देखना चाहता है। कवि गोपालदास नीरज जी मानवता की भावना को विकसित करना चाहते हैं। सारे संसार में कोई पराया नहीं है, जात पात ऊंच नीच आदि की सीमाओं के बंधन तोड़कर ही व्यक्ति प्रत्येक घर को देवालय बना सकता है। मानवता के आगे देवत्व अमरत्व या स्वर्ग के सभी सुख बेकार हैं। कवि कहते हैं कि इस जग के सुख में ही अपना सुख है और मानवता का जन्म ही जग हित के लिए हुआ है। मानवता को चाहिए कि उसके किसी भी कार्य से दूसरों को कष्ट न हो। हम आग का उपयोग अंधकार को दूर करने के लिए करना चाहिए। कवि मानवता पर अभिमान करता है कि क्योंकि मानवता की भावना से कोई भी पराया नहीं रहेगा और संपूर्ण संसार अपने घर के समान रहेगा। ये था कविता का सारांश। अब आगे हम देखते हैं इसके शब्दार्थ, यानी कि शब्द बोध, यानी पराया हो गया दूसरा या अलग। जंग यानी कि लोहे का मेल। शाही शब्दों यानी जो लिखे हुए शब्द होते हैं पुस्तक में वो होता है शाही शब्द।
घट घट यानी कि प्रत्येक हृदय में, टेक यानी सिर झुकाना या आदर देना, आराध्य यानी पूजा करने योग्य, मानवता यानी मनुष्यता, देवत्व यानी देवता होने का भाव, मनुजत्व यानी मानवता, अमरत्व यानी अमरता, सुकुमार यानी कि कोमल, दलित दबाया हुआ, शूल यानी कि कांटा, विषमता यानी असमानता, तम यानी अंधकार, दर्दीले यानी कि दर्द भरे। अब हम आगे कुछ एक्सरसाइज देखते हैं आगे व्याकरण की। नीचे लिखे शब्दों का विलोम शब्द लिखिए, जैसे स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम शब्द होगा नरक। स्वीकार, स्वीकार यानी स्वीकार का विलोम शब्द होगा अस्वीकार। विष का होगा अमृत। धर्म का होगा अधर्म। समता का होगा विषमता। ये शब्द हमने, विलोम शब्द हमने समझे और किए। आगे दूसरा देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब इसमें भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों के अंत में ता और त्व प्रत्यय लगा होता है वे भाववाचक संज्ञा होते हैं। अब जैसे हमें करना है आगे, ता और त्व लगाकर भाववाचक संज्ञा शब्द हमें बनाना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। ता वाले देखते हैं पहले, यानी कि दुष्ट। अब इसमें ता लगाकर हमें प्रत्यय इसके भाववाचक संज्ञा हमें बनाने हैं, यानी कि दुष्टता। कोमल, कोमल का होगा कोमलता। महान यानी इसका होगा महानता। सज्जन, सज्जन का होगा सज्जनता। ये थे इनके भाव। अब आगे त्व प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। पुरुष, पुरुष का होगा पुरुषत्व। बंधु, बंधु का होगा बंधुत्व। महत्व यानी कि महत्व। देव यानी कि देवत्व। ये सब हो गए इनके त्व और ता प्रत्यय लगाकर हमने भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द कविता में आए तीन शब्दों के पर्यायवाची हैं। प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची हमें छांट कर नीचे लिखना है, यानी कि यहाँ पे ये पर्यायवाची दिए गए हैं और इस कविता में इनके पर्यायवाची हैं। तो देखते हैं, घर, घर का होगा गृह, आलय, सदन। ये इसके हो गए तीन पर्यायवाची। धरती, धरती का होगा धरा, धरती और पृथ्वी। संसार का होगा जगत, विश्व और दुनिया। ये सब इनके पर्यायवाची हैं। अब आपको ये समझ में आई गई होगी, पाठ भी समझ में आ गया होगा और ये कविता भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।